हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 एनसीईआरटी के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 सॉल्व करेंगे। देखते हैं उसमें हमें एक्सरसाइज में करना क्या है। एक्सरसाइज में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास व्यापक हल है और दूसरा हमारे पास मुख्य हल है। मुख्य हल और व्यापक हल, देखिए होता क्या है। मुख्य हल से मतलब ये रहा कि हमारे पास मान लीजिए कोई क्वेश्चन गिवन होगा कि साइन एक्स इक्वल 1/2 या कोस एक्स इक्वल √3/2, हमारे कोई भी वैल्यू गिवन होगी उसका एंगल फाइंड आउट करना होगा। तो मुख्य हल में ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में दिया है 10x = √3 है, अब 10x की वैल्यू √3 है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो 10 में पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ होती है। चतुर्थांश हमने पढ़े हैं, तो किस किस चतुर्थांश में 10 की वैल्यू पॉजिटिव होगी और किस में नेगेटिव होगी, उसका ध्यान रख के हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो किस किस चतुर्थांश में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी वो फाइंड आउट करना मुख्य हल होगा। और फिर एक ऐसा जनरल फॉर्म बनाना ताकि जिसमें मैं एन की वैल्यू रखूं और मेरे पास उन सभी एंगल्स की वैल्यू आ जाए जहां पर ये वैल्यू मुझे मिल सकती हो, तो वो क्या होगा, हमारे पास व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन होता है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहला, अगर हमारे पास साइन एक्स इक्वल साइन वाई आ जाता है, देखिए साइन एक्स जो हमें दिया हुआ होगा, साइन वाई जो मैं वहां से फाइंड आउट करूंगा, जैसे यहाँ 10x = √3 है तो √3 को क्या लिख सकते हैं हम, 10/10 में √3 कितने डिग्री की वैल्यू होगी, ये हमारे पास 60 की वैल्यू होगी, तो इसको 10/60 लिख सकते हैं। तो ऐसे हो गया 10x = 10/60। तो ऐसे ही साइन एक्स इक्वल अगर साइन वाई कंडीशन आ जाती है तो व्यापक हल का फॉर्मूला होगा x = (n π + -1)(n)y। वाई ये हमारे पास जो एंगल यहां से आएगा, और एन क्या है, एन बिलोंग्स करता है जेड में, जेड क्या है, पूर्णांकों का एक समुच्चय है। फिर इफ कोस एक्स इक्वल कोस वाई हो तो x = (2n π + -y) होगा, इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। फिर इफ 10x = 10y अगर होता है तो x = (n π + y), ये हमारा तीन फॉर्मूले बनते हैं व्यापक हल के। देखिए हमारे पास तीन लिखे हुए हैं। अगर हमारे पास यहाँ कोसक एक्स की वैल्यू आ जाती है तो मैं कोसक को साइन में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। अगर हमारे पास सेक आ जाता है तो सेक को हम कोस में कन्वर्ट करेंगे फिर इसका यूज करेंगे, और अगर कोट आ जाता है तो कोट को टेन में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखते हैं एक्सरसाइज में, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, 10x = √3 लिखा है, इसमें हमें क्या करना है, मुख्य हल और व्यापक हल दोनों ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मुख्य हल की बात करेंगे। देखिए 10x = √3 है, 10 में √3 हमारे पास 60 डिग्री की वैल्यू होती है, और 60 को अगर मैं रेडियन की बात करूं तो हम π/3 लिख सकते हैं, और 10π/3। अब ये तो हुआ पहला चतुर्थांश के, पहले चतुर्थांश में इसकी वैल्यू इतनी होगी, लेकिन 10 इसके अलावा और कहां कहां पॉजिटिव होता है। तो अगर देखें हम चतुर्थांश बनाए तो हमारे पास 10 एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और एक होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारे पास 60 डिग्री की वैल्यू मिल गई, लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहां कैसे जाएंगे, देखिए यहां पर क्या है पाई, अगर मैं पाई में कोई वैल्यू ऐड कर देता हूं तो मैं कहां जाऊंगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा। तो पाई में क्या ऐड करूंगा, जो हमारे पास ये π/3 है, तो पाई प्लस अगर π/3 कर देता हूं तो मैं कहां जाता हूं, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में भी 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बस हमें यही ध्यान रखना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10π + π/3। तो अब देखिए हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, 10x = 10π/3 और 10 3, यहाँ हल से मिलेंगे 3π + π 4π/3। तो हमारे पास जो मुख्य हल हुए 10 के वो ये दो हुए, मुख्य हल बराबर x = π/3, 4π/3, ये दो मेरे मुख्य हल हो गए। अब मुझे यही कहीं व्यापक हल ज्ञात करना है। देखिए व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू रही होगी उसी का यूज हम करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, जो सबसे पहली वैल्यू रहेगी उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ है 10x = 10π/3, हमने यहाँ से एक वैल्यू उठा ली। अब इसके मैंने फॉर्मूला ही बताया, देखिए क्या है कि 10x = 10y है, तो क्या लिख सकते हैं, x ये रहा, ये जो एंगल यहाँ होगा वही यहाँ आएगा, अगर ये 2x होगा तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, 3x होगा तो 3x आ जाएगा, तो फिलहाल x है तो x = (nπ + y), y यानी कि ये एंगल, तो देखिए x यहाँ पर x ही है, तो ये आ जाएगा व्यापक हल x = (nπ + y) और y की वैल्यू क्या है मेरे पास, π/3, और ये मेरा व्यापक हल का इसका फॉर्मूला बन गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, sec x = 2। sec x, अब देखिए मेरे पास हमने बताया कि यहाँ पर तीनों में से sec का कोई फॉर्मूला नहीं है, और sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो हम sec को cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, अगर sec को मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो क्या होगा, cos x बन जाएगा, और इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1/2। तो cos x इक्वल हमारे पास क्या मिला, 1/2। अब cos x में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 60 की, तो लिख सकते हैं cos x इक्वल cos 60 यानी कि π/3। और अब ये तो हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात, क्योंकि फर्स्ट में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा cos कहां पॉजिटिव होता है, हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में।
देखिए, ये फर्स्ट में होगा और फोर्थ में होगा। फोर्थ में जाने का रास्ता क्या होगा, यहाँ पर 2π होगा। अगर मैं 2π में से समथिंग माइनस कर देता हूं तो मैं कहाँ आ जाऊंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। और माइनस क्या करना है मुझे, ये एंगल π/3। तो 2π में से अगर मैं π/3 माइनस कर देता हूं तो मैं कहाँ आ जाऊंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हमारे पास आ गया, ये हो जाएगा कोस 2π माइनस पाई अपॉन 3, ये 3 है। फिर कोस एक्स इक्वल कोस पाई अपॉन 3, और कोस देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे, 3 × 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 − 1 हमारे पास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 6 6 − 1 5, तो ये हो जाएगा 5π/3। तो देखिए x के हमारे पास दो मुख्य हल आ गए, x इक्वल पाई अपॉन 3 और 5π/3। अब बात करते हैं उसके व्यापक हल की। व्यापक हल के लिए मैंने बताया था कोई सी भी एक वैल्यू हम यहाँ से उठा लेंगे। तो देखिए कोस की हम वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ से कोस एक्स इक्वल कोस पाई अपॉन 3 है, तो ये आ जाएगा कोस एक्स इक्वल कोस पाई अपॉन 3। व्यापक हल क्या हो जाएगा, व्यापक हल का फॉर्मूला है एक्स इक्वल 2nπ ± y। तो एक्स इक्वल 2nπ ± y की वैल्यू पाई अपॉन 3, तो ये हमारा आंसर आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, कोट एक्स इक्वल −√3 दिया हुआ है। अब देखिए वही है, कोट की भी हमारे पास यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो कोट को हम 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कोट को क्या लिख सकते हैं, 10x = −1/√3। रेसिप्रोकल हो गया बोथ साइड, माइनस था माइनस एज इट इज रहा। अब 10 में देखिए 1/√3, 10 में 1/√3 30 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी कि π/6 की, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है। तो मुझे ऐसे दो क्वाड्रेंट्स देखने हैं जिनमें 10 नेगेटिव होगा और वहीं पर इसकी वैल्यू लिखी जाएगी। देखिए 10 कहाँ कहाँ हमारे पास नेगेटिव होता है, एक तो 10 मेरे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और एक मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का क्या तरीका होगा, यहाँ पर पाई है, मैं पाई में से एंगल माइनस करूंगा, कितना π/6, तो मैं कहाँ आ जाऊंगा, सेकंड में आ जाऊंगा। फिर ऐसे ही यहाँ पर 2π है, यहाँ मैं 2π में से एंगल माइनस करूंगा, कितना π/6, तो मैं यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। तो मेरे पास दो मुख्य हल हो गए, 10x = 10π − π/6, π/6 यानी कि 30 डिग्री, और 10 2π − π/6। तो हम देखिए हमारे पास दो मुख्य हल मिले, क्योंकि ये दो चतुर्थांशों में हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो 10x यहाँ से हो गया 6 × π 6π 6π − π 5π/6, और ये हो गया 6 × 12 12 − π 11π/6। तो हमारे पास दो मुख्य हल आए, x = 5π/6 और 11π/6। अब बात करते हैं इसके व्यापक हल की। व्यापक हल के लिए इसमें से एक वैल्यू उठा लेते हैं, तो 10x = 10 5π/6। व्यापक हल का फॉर्मूला क्या है इसका, x = nπ + y, और y की वैल्यू 5π/6 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कोसेक एक्स इक्वल −2 दिया हुआ है, तो कोसेक एक्स इक्वल −2 है, कोस को भी साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो साइन एक्स इक्वल −1/2 लिखा जा सकता है। अब देखिए माइनस हो गया, तो हमें यहां पर फिर देखना होगा कि साइन की वैल्यू माइनस की कहां कहां पाई जाती है, किस किस क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होगा। तो ये है हमारे पास एक तो थर्ड है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और फोर्थ दोनों में नेगेटिव होगा। अब देखिए 1/2 साइन में 30 की वैल्यू होती है, यानी कि π/6 की। थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए यहाँ पाई है, पाई में अगर π/6 ऐड कर दूं तो मैं कहाँ आ जाऊंगा, थर्ड में, तो sin π + π/6। और फोर्थ में जाने के लिए 2π में से अगर हम π/6 माइनस कर दें तो sin 2π − π/6, तो मैं कहाँ आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और दोनों वैल्यू नेगेटिव है, तो ये हमारा सही है। तो साइन एक्स इक्वल ये हो जाएगा साइन 6, एलसीएम लेंगे तो 6 × π 6π + π 7π/6, और यहाँ 6 × 2 12π − π 11π/6। तो हमारे पास एक्स के दो मुख्य हल आए, 7π/6 और 11π/6। अब बात करते हैं इसके व्यापक हल की, तो उसी में से हमने एक वैल्यू उठाई, साइन एक्स इक्वल साइन 7π/6, फर्स्ट वैल्यू का यूज किया है। व्यापक हल इक्वल एक्स इक्वल nπ − 1 की पावर n इंटू वाई, और वाई की वैल्यू क्या है, 7π/6, और ये मेरा आंसर आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, देखिए उसने कहा है कि निम्न का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अब हमें मुख्य हल नहीं ज्ञात करना, डायरेक्टली व्यापक हल ही ज्ञात करना है आगे क्वेश्चन में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, cos 4x = cos 2x दिया हुआ है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए cos 4x = cos 2x, इस cos 2x को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, और उस साइड हमारे पास जीरो बचेगा। तो cos 4x − cos 2x = 0। अब एक फॉर्मूला है मेरे पास cos x − cos y का, क्या था कि −2 sin x + y/2 × sin x − y/2। इस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ कर सकते हैं, x की वैल्यू 4x होगी, y की वैल्यू 2x हो गई, तो ये हो जाएगा −2 sin x + y, यानी कि 4x + 2x/2 × sin x − y, 4x − 2x/2 = 0।
इक्वल जीरो एज इट इज रहा। अब देखिए माइनस टू है, ये जब माइनस टू देखो तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में है, तो माइनस टू मल्टीप्लाई से है, अगर राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो जीरो के पास जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया, तो यहाँ से साइन 4x प्लस 2x 6x और 2 से डिवाइड करूंगा तो 3x बचेगा, फिर साइन 4x माइनस 2x 2x और 2 से 2 कैंसिल होगा तो x बचेगा इक्वल जीरो। अब देखिए हमारे पास दो मल्टीप्लाई में साइन की वैल्यूज हैं, दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि साइन x इक्वल जीरो या साइन x इक्वल जीरो, साइन 3x इक्वल जीरो या साइन x इक्वल जीरो, ऐसा हो सकता है। अब साइन 3x इक्वल साइन में जीरो कितने डिग्री की वैल्यू होती है, देखिए साइन में जीरो जीरो डिग्री की ही वैल्यू होगी, ऐसे ही इधर भी साइन एक्स इक्वल साइन जीरो। अब हमारे पास फॉर्मूला हो गया साइन एक्स इक्वल साइन वाई, यहां पर वाई की वैल्यू जीरो है, तो हमारे पास साइन एक्स इक्वल साइन वाई होता है, यहां एक्स की वैल्यू क्या है 3x है, तो जो यहां वैल्यू होगी वही यहां लिखी जाएगी, तो 3x है तो 3x लिखा, 3x इक्वल एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू वाई और वाई की वैल्यू जीरो, ऐसे ही साइड x इक्वल यहां x एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू वाई और वाई की वैल्यू जीरो। अब देखिए जीरो होने की वजह से ये पूरा टर्म हमारे क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ऐसे इधर जीरो होगी तो यहां क्या बचता है एन पाई। अब देखिए फॉर्मूले में जो व्यापक हल निकलता है वो सिर्फ x के लिए होता है, लेकिन यहां पर क्या है 3x, तो इस 3 को मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल एन पाई अपॉन 3, ऐसे ही साइड x इक्वल एन पाई क्योंकि इधर ये खत्म हो गया, तो ये मेरा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल जीरो। यहां पर तीन टर्म है हमारे पास cos की, तो हम किसी दो का यूज करेंगे जिसमें फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे, फिर थर्ड का उसमें से कॉमन लेंगे या जो भी देखेंगे। तो देखिए cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x है, यहां पर मैं इन दोनों में फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं cos x प्लस cos y का, तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होगा 2 cos x 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 3x माइनस x अपॉन 2, ये हो जाएगा भाई, देखिए ये x और ये y, तो x प्लस y अपॉन 2 इंटू x माइनस y अपॉन 2 और माइनस माइनस cos 2x इक्वल जीरो एज इट इज रहा हमारे पास। अब इसका आगे देखते हैं, तो देखिए हो जाएगा 2 cos 3x plus x upon 2 into cos 3x minus x upon 2 minus cos 2x equal 0, फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर सॉल्व कर लें इसको, 2 cos देखिए 3x plus x 4x और 2 से डिवाइड होगा तो 2x आ जाएगा into 3x minus x 2x और 2 से 2 डिवाइड होगा तो x आ जाएगा minus cos 2x as it is equal 0। यहाँ से देखिए cos 2x हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों से कॉमन आ जाएगा, cos 2x कॉमन लिया तो 2 cos x minus यहाँ से 1 बचेगा equal 0, दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखा जा सकता है, तो cos 2x इक्वल जीरो या 2 cos x माइनस 1 इक्वल जीरो। यहां से cos 2x इक्वल, अब देखिए cos में जीरो कितने डिग्री की वैल्यू होगी 90 डिग्री यानी कि पाई बाई 2 की, ऐसे ही यहां से cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1 साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन 2, तो cos x इक्वल 1 अपॉन 2, फिर cos 2x इक्वल cos पाई बाई 2 हो गया, व्यापक हल निकाल लेते हैं तो 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y और y की वैल्यू पाई बाई 2, अब यहां पर x होना चाहिए लेकिन ये 2x है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए जब 2 से डिवाइड करूंगा तो इसको भी डिवाइड करूंगा और इसको भी डिवाइड करूंगा, जब इसको डिवाइड करूंगा तो यहां 2 से 2 कैंसिल हो गए n पाई बचेगा प्लस माइनस, जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर 2 ऊपर नहीं है यहां नीचे है तो यहां 2 से 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पाई बाई 4 बन जाएगा। अब इस साइड देख लेते हैं, यहां cos x इक्वल 1 अपॉन 2 आया था और cos में 1 अपॉन 2 हमारे पास 60 डिग्री की वैल्यू होती है यानी कि cos पाई बाई 3, व्यापक हल x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3 होगी, हमारा आंसर आ गया। ना क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि साइन 2x प्लस cos x इक्वल 0, साइन 2x का एक हमारे पास फॉर्मूला है 2 साइन x इंटू cos x प्लस cos x इक्वल 0, साइन 2x का फॉर्मूला था उसका हमने यूज किया। अब देखिए यहां से cos x है यहां पर cos x तो कॉमन आ सकता है, तो कॉमन लूंगा cos x तो क्या बचेगा 2 साइन x ये बचा प्लस यहां से 1 इक्वल 0, दोनों को 0 के इक्वल रखा जा सकता है तो cos x इक्वल 0 और 2 साइन x प्लस 1 इक्वल 0, cos में 0 फिर से वही 90 डिग्री की वैल्यू है तो यहां से x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 हमारा व्यापक हल का फॉर्मूला हुआ, x सिंगल है इसके साथ कोई कोफिशियंट नहीं है तो एज इट इज रह जाएगा। यहां देखें हमारे पास 2 sin x प्लस 1 इक्वल 0 दिया था तो यहां से sin x की वैल्यू क्या आएगी प्लस का 1 है, राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2, और sin में माइनस 1 अपॉन 2 कितने डिग्री की वैल्यू होगी देख सबसे पहले देखना है कि आपको sin जो माइनस है वो कौन से क्वाड्रेंट में मिलता है, तो साइन हमारे पास सबसे पहले थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिलता है, और थर्ड में जाने के लिए क्या है कि अगर मैं पाई में कुछ ऐड कर दूंगा तो मैं कहां जाऊंगा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, और क्या ऐड करना है जितने डिग्री का ये एंगल है ये कितना है 30 डिग्री यानी कि पाई अपॉन 6, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई अपॉन 6,
एलसीएम लूंगा तो 6 इंटू पाई 6 पाई प्लस पाई 7 पाई अपॉन 6, तो व्यापक हल हो जाएगा x इक्वल एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई और y की वैल्यू 7 पाई अपॉन 6। ना क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है sec स्क्वायर 2x इक्वल 1 माइनस tan 2x। अब देखिए यहां पर sec स्क्वायर 2x का एक फॉर्मूला है, या मैं कहूं sec स्क्वायर x का एक फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये 2x है तो यहां पर भी 2x हो गया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल 1 माइनस tan 2x एज इट इज रहा। अब ये क्या हुआ, देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, तो tan स्क्वायर 2x माइनस का tan 2x था, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए तो प्लस का हो गया, प्लस tan 2x इक्वल 0, दोनों से tan 2x कॉमन आ सकता है, तो यहां से tan 2x बचेगा प्लस, यहां से 1 इक्वल 0, दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख सकते हैं, तो tan 2x इक्वल 0 और tan 2x प्लस 1 इक्वल 0। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, tan में 0, tan 0 की 0 की वैल्यू होगी, तो व्यापक हल हो जाएगा 2x इक्वल n पाई प्लस y, y की वैल्यू 0, और यहां पर 2x है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल क्या आ जाएगा n पाई अपॉन 2, और वो 0 था वो खत्म हो गया। अब ऐसे ही tan 2x प्लस 1 इक्वल 0 है, प्लस 1 उस साइड जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा tan 2x। अब देखिए tan में 1 45 की वैल्यू होती है लेकिन माइनस का है, अब tan कहां माइनस का होगा, tan सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होगा, और सेकंड में हम कैसे जाएंगे, पाई में से अगर पाई बाय 4 माइनस कर देता हूं तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, तो ये आ गया tan 2x इक्वल tan पाई माइनस पाई अपॉन 4। अब 4 एलसीएम लेंगे तो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई अपॉन 4, तो व्यापक हल हुआ 2x इक्वल n पाई प्लस 3 पाई अपॉन 4, या x इक्वल 2 से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को तो ये n पाई अपॉन 2 प्लस ये 3 पाई अपॉन 4 इंटू 2 8 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ना क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल 0। यहां पर भी हमारे पास साइन की तीन टर्म्स हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन x इक्वल 0, यहां कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी, साइन 3x को हमने छोड़ दिया, साइन 5x प्लस साइन x में हमने साइन x प्लस साइन y के फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या था, साइन x प्लस साइन y इक्वल होगा 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू कोस x माइनस y अपॉन 2, तो उसी का यूज हमने किया है, तो साइन 3x प्लस 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 इंटू कोस x माइनस y अपॉन 2 इक्वल 0। ये हो गया साइन 3x प्लस 2 साइन 5x प्लस x 6x और 2 से डिवाइड होगा तो 3x इंटू कोस 5x माइनस x 4x और 2 से डिवाइड होगा तो 2x इक्वल 0 आ गया। यहां से देखें साइन 3x साइन 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहां से बचेगा 1 प्लस यहां से बचेगा हमारे पास 2 इंटू कॉस 2x इक्वल 0, दोनों प्रोडक्ट में है तो इक्वल अलग अलग 0 रख दें, तो साइन 3x इक्वल 0 या 1 प्लस 2 कॉस 2x इक्वल 0। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें, अब देखिए साइन में फिर से 0 आ गया और साइन में 0 0 डिग्री की वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू y, y यानी कि 0, या 3 से डिवाइड कर दें तो n पाई अपॉन 3, क्योंकि ये टर्म 0 की मल्टीप्लाई से खत्म हो गई। अब इधर देखें 1 प्लस 2 कॉस 2x इक्वल 0, सबसे पहले कॉस 2x की वैल्यू निकाल लें, तो ये प्लस का 1 है उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो माइनस 1 अपॉन 2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए कॉस 2x इक्वल कॉस में 1 अपॉन 2 हमारे पास 60 डिग्री की वैल्यू होती है यानी कि पाई अपॉन 3 की। अब ये नेगेटिव है तो कोस नेगेटिव कहाँ होगा, कोस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो आ जाएगा कोस 2x इक्वल कोस पाई माइनस पाई अपॉन 3, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई अपॉन 3, व्यापक हल हुआ 2x इक्वल 2 एन पाई प्लस माइनस 2 पाई अपॉन 3, या 2 से डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल आ जाएगा, देखिए यहाँ 2 से डिवाइड होगा तो n पाई हो जाएगा प्लस यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा तो पाई अपॉन 3 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर ओके करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ का पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।